नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप पर चर्चा करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप भलीभांति जानते हो कि वर्तमान में ये कई कारणों से चर्चा में है। एक तो ये भारत की यात्रा पर रहे थे 24 से 25 फरवरी 2020 में। उस संबंध में नमस्ते ट्रंप नाम का वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करा दिया था। इसके अलावा ये वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी चर्चा में है। कोरोना वायरस के तहत इन्होंने कहा कि अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगेगा या इस जैसी स्थितियां हम लागू नहीं करेंगे। ऐसे बयानों के कारण ये चर्चा में रहे और आलोचना का भी शिकार रहे। तीसरा जो इनके चर्चित होने का कारण है वो है इन पर महाभियोग। इन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया को चलते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम का मतलब ये दिसंबर 2019 से ये प्रारंभ हुई थी, लेकिन फरवरी 2020 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ ये आई है कि इन्हें महाभियोग के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का जो नाम है वो रिपब्लिकन पार्टी है। अमेरिका में दो प्रकार की पार्टियां होती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस पार्टी से वो रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ग्राम सेवक एग्जाम में आया था कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है, रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये एक बेसिक बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति है और अमेरिका के बारे में हम काफी चर्चा भी कर चुके हैं। यहां सिर्फ मैं उनके महाभियोग की बात करूंगा और इस महाभियोग पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को हम लेके चलना है। देखिए, महाभियोग जो प्रक्रिया है ये संसद में चलती है, तो हमें सबसे पहले अमेरिका की संसद को जानना पड़ेगा। तो पेज के बीच में लिखिए अमेरिका की संसद। अमेरिका की जो संसद है इसे कहा जाता है कांग्रेस। हमारे यहां पर कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि वहां पर अमेरिका में संसद का नाम कांग्रेस है। ठीक हमारी तरह इसमें दो सदन होते हैं, एक होता है अपर हाउस, इसको सीनेट बोलते हैं, और एक होता है यहां पर लोअर हाउस, इसको निचला सदन या प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं इसको। तो ये प्रतिनिधि सभा होती है। इसको हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें इनके सदस्यों को जानना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो सदस्य हैं ये है 100 सदस्य होते हैं। इसकी तुलना आप भारत की राज्यसभा से कर सकते हो। और इसमें जो सदस्य हैं ये हैं 441, लेकिन 441 को दो पार्ट्स में बांट के चलेंगे। एक तो वो जो वोटिंग कितने करते हैं और दूसरे नॉन वोटिंग वाले, वोटिंग और नॉन वोटिंग। तो नॉन वोटिंग वाले 6 हैं जबकि वोटिंग वाले हैं 435। आपने इसका ध्यान रखना है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब बना है। ये क्लियर आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 441, और कितने वोट डाल सकते हैं, 435। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव किसने पेश किया था, प्रतिनिधि सभा ने पेश किया था। लिख दीजिए, इसने डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। इन पर जो आरोप लगे थे वे किस आरोप में किया था, एक तो ये कहा गया कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, दूसरा कांग्रेस की कार्यवाही में
बाधा पहुंचाना। अब ये कांग्रेस यहां की संसद का नाम है, इन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के कारण हम इस पर प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग पर का प्रस्ताव पेश किया और ये पारित भी हो गया, ये पारित हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये यहां से ये पारित हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा। क्लियर? राज्यसभा में नहीं, मेरे कहने का मतलब है भारत की राज्यसभा की तुलना आप सीनेट से कर सकते हो, सीनेट में जाएगा। अब सीनेट में ये गया, यहां 100 सदस्य थे जिनमें से 53 सदस्य रिपब्लिकन पार्टी के थे, इस कारण से कोई समस्या यहां आई नहीं और यहां से यह पारित नहीं हुआ, यह नहीं हुआ। यहां से पारित नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग के आरोप से बरी हुए। महाभियोग के आरोप से बरी हुई यह घटना है फरवरी 2020 की, और इन्होंने जो महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था यह पेश किया था दिसंबर 2019 में। एक चीज और ध्यान रखना, सीनेट में इनके मामले की जो सुनवाई की थी ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की थी, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश ने की थी, और इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है जॉन रॉबर्ट्स, मुख्य न्यायाधीश है जॉन रॉबर्ट्स। अब देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग जो चला है ये अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति है, इस संबंध में हम बात करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। सबसे पहले थे 1868 में एंड्रयू जॉनसन, और दूसरे थे 1998 में बिल क्लिंटन। इन्हें, इन दोनों को महाभियोग का सामना करना पड़ा था, और इस दृष्टि से तीसरे जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एक नाम और सुनोगे आप, रिचर्ड निक्सन, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। इन पर भी महाभियोग प्रारंभ किया जा रहा था लेकिन इन्होंने महाभियोग की कार्रवाई से पहले इस्तीफा दे दिया था, इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। क्लियर? नोट डाल के लिखिए, 1969 में रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग की कार्रवाई से पहले ही इस्तीफा दे दिया, यह ध्यान रखना। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और मैं इनमें ऐड करना चाहूंगा, हालांकि मैंने बता दिया था कि ये किन कारणों से चर्चा में रहे,
24 से 25 फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर रहे। भारत की यात्रा करने वाले ये अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति हैं। हालांकि थोड़ी बहुत चर्चा मैंने नमस्ते ट्रंप नामक टॉपिक में की थी, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक स्टार डाल के लिखिए, डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा। पच्चीस फरवरी 2020, ये है भारत आने वाले अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति। भारत आने वाले अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति है ये। अब पहले 6 राष्ट्रपति कौन से हैं उनको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हैं डी आइजनहावर, ये 1959 में आए थे, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, मैं यहां जो बात लिख रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब क्या निकला कि जब ये आए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे थे रिचर्ड निक्सन, ये 1969 में आए, और इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। तीसरे नंबर पर आए जिमी कार्टर 1978 में, इस समय जो प्रधानमंत्री थे ये थे मुरारजी देसाई। चौथे नंबर पर आए बिल क्लिंटन, ये 2000 में आए थे, मुरारजी देसाई, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। फिर आए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये आए 2006 में, इस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उसके बाद आए बराक ओबामा। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये दो बार आए थे, एक आए थे ये 2010 में और एक आए थे ये 2015 में। 2010 में जब ये आए थे उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और 2015 में जब ये आए थे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, क्लियर। और 7वें नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप। दो हजार बीस में आए हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। देखिए यहां पर जो एग्जामिनर की जो समझ होती है वो इस तरीके से जा सकती है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जिनके काल में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं की, जिनके काल में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं की। आपको दे सकता है राजीव गांधी, अब राजीव गांधी के काल में अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं आया। दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आप देखिए मनमोहन सिंह, अब इसके काल में दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत की यात्रा की, डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी, इसके काल में भी दो राष्ट्रपतियों ने, अब तक अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों ने भारत की यात्रा की, एक बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। इसमें इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ऐसे अमेरिका के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो बार यात्रा की। तो आप ये कह भी सकते हो, ये देख लीजिए, यहां पर एक लाइन लिख दीजिए बराक ओबामा में, अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल के दौरान
भारत की दो बार यात्रा की। आप खुद देखिए, अपने आप में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो इसको एक तो नमस्ते ट्रंप जो अपनों ने किया था उसमें भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक में भी ऐड हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप की तो बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग पर चर्चा की, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति हैं, और पहले के जो 6 राष्ट्रपति थे उनको भी हमने जाना, और बराक ओबामा के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें जानने को मिला। ये वो तथ्य है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप मेरे इस टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाए ताकि वो भी इन सब तथ्यों के बारे में जान सके। इसके लिए आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो। सोशल मीडिया के तहत आप भलीभांति जानते हो, सबसे महत्वपूर्ण फेसबुक है। इसके अलावा आपके द्वारा बनाए गए वो ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, उनमें आप इसको सेंड कर सकते हो ताकि उन स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो सके। नमस्कार।